नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल ऑफिशियल 420 में। मैं आज लेकर आया हूँ राजस्थान जीके से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आज मैं समझाऊंगा इनको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का। हमारा पहला, सुनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई थी? दोस्तों, जो सुनारी जो सभ्यता है यह झुंझुनू जिले से प्राप्त हुई थी, और इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे यह लोहे युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता झुंझुनू जिले की खेतड़ी से मिली थी। खेतड़ी जो स्थान है झुंझुनू जिले में, वहां से प्राप्त हुई थी। और यहां के लोहे की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई थी सबसे ज़्यादा कहां पर? झुंझुनू खेतड़ी में। एक और विशेषता इसकी कि यहाँ से सर्वप्रथम लोहे का कटोरा भी मिला था। जो प्राप्त होता है ना सर्वप्रथम लोहे का कटोरा, वह कौन सी सभ्यता? वह सुनारी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सरसों की भूसी उपलब्ध है। राजस्थान में विलायती बबूल, चावल की जो भूसी होती है, तो चावल भूसी, तिल और सरसों की तुड़ी आदि से निर्मित करके बायोमास गैस बनाई जा सकती है, जो कि राजस्थान में उपलब्ध है। यानी कि जो सरसों की भूसी है उससे हम बायोमास गैस बनाई जा सकती है उससे, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बनी ठनी जो पेंटिंग है उसका संबंध किस शहर से है? उसका संबंध किशनगढ़ शहर से है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। किशनगढ़, तो बनी ठनी नामक चित्र की जो रचना है वह निहाल चंद नामक कलाकार ने किशनगढ़ शैली में की थी। किशनगढ़ शैली में लघु चित्र का निर्माण किया गया था। इस शैली का संरक्षण राजा सामंत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतिरे की राड किन किन के मध्य हुई थी और कब हुई थी? तो मतिरे की जो राड है वह करण सिंह व अमर सिंह के मध्य हुई थी। मतिरे की राड एक युद्ध था जो नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के मध्य हुआ था, और 1644 में यह लड़ा गया था। यह एक युद्ध है मतिरे की राड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि वह कौन सा ऑप्शन है जो गलत दर्शाता है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, या न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। यह ऑप्शन गलत है, यानी कि यह राइट होएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो है कोटा जिले में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले, उनमें सर्वप्रथम आता है कोटा जिसकी 65.9 साक्षरता दर है। जयपुर सेकंड नंबर पे आता है जिसकी 64.0 है, झुंझुनू 61.0, गंगानगर 59.7 और सीकर जो है 58.2। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले हैं, जालौर आता है 38.5, सिरोही आता है 39.7, जैसलमेर आता है 39.7 और बाड़मेर 40.6 और प्रतापगढ़ 42.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई थी? निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 में की गई थी शुरू, और 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, वर्तमान में भी है, अशोक गहलोत के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ से बिलवाड़ा की बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था?
पहले भैंस रोड़गढ़ से बिलवाड़ा तक का जो सैतरे पठारी उसको उपरमाल के नाम से जाना जाता था। उपरमाल चित्तौड़गढ़ के भैंस रोड़गढ़ से लेकर बिलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है उसको उपरमाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडकोर है, रिडकोर की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि रिडकोर का क्या नाम है? तो इसका पूरा नाम है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान की यह है, और इस कंपनी की जो स्थापना है वह अक्टूबर 2004 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया सवेरा है, नया सवेरा किससे हुआ था मतलब? तो ये नया सवेरा डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम था, इसको नया सवेरा बोला जाता है। राज्य को नशा मुक्ति करने के लिए सरकार नया सवेरा नाम से एक नई योजना लेकर आई है। भारत सरकार की वर्तमान NDPS की घोषणा नीति के अनुसार मार्च 2015 के बाद डोडा पोस्ट की बिक्री पूर्णतया बंद हो गई हो जाएगी। परमिट आधारित मांग पर डोडा पोस्ट सेवन बिक्री की अनुमति नहीं रहेगी, इसलिए इस योजना को ही बोला जाता है नया सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तेरह ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस महिला से है? तो यह मांगी बाई से है। क्यों? क्योंकि तेरह ताली नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है, और यह नृत्य बैठकर किया जाता है। यह कमान जाति का अनोखा नृत्य है। यह नृत्य ही ऐसा है जो बैठकर किया जाता है, और जो मांगी बाई है इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है,